हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये ब्लॉग है दुर्गा पूजा का, नौमी वाले दिन का है ये ब्लॉग। तो थोड़ा मुझे ये ब्लॉग डालने में बहुत लेट हो गया, रीज़न आपको सबको पता ही है। थोड़ा बिजी चल रही थी, बाबू तंग करता है तो मैं जल्दी एडिटिंग नहीं कर पाती हूँ, और एडिटिंग कर भी लेती हूँ तो उसको आधा करके मैं छोड़ देती हूँ, फिर आधा मैं करने में मुझे और टाइम लग जाता है। तो ये है पंडाल दुर्गा पूजा का। देखिए माँ कितनी सुंदर लग रही हैं। ये पंडाल था, हाँ ये पंडाल पड़ता है बड़का तालाब है, वहाँ पे एक बंगला स्कूल है उसी तरफ ये पंडाल था। तो देखिए कितना खूबसूरत सजा रखा है, ये मिरर लगा हुआ था बहुत बड़ा सा जिससे पूरी सजावट दिख रही थी, सब लोग वीडियो बना रहे थे। ये है नेक्स्ट पंडाल, तो ये है रांची स्टेशन का पंडाल। यहाँ पे एंटर एंटर है, यहाँ से एंटर किया जाता है। तो यहीं से स्टार्टिंग से देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, अंदर जाके तो और भी बहुत खूबसूरत था वो विद्युत। ये है अंदर का सीन, तो देखिए यहाँ पे बच्चे का छोटा सा स्टैचू बना रखा है, जो कि जब बेबी पेट में रहता है तो इसी तरह का रहता है। तो इस पंडाल का थीम था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो यहाँ का डेकोरेशन भी बहुत अच्छा था। माता ये अंदर का, ये थोड़ा अंदर जाके ये सीन है पूरा, जो कि बहुत सुंदर है। देखिए माता माता रानी भी कितना सुंदर लग रही हैं, हर माता रानी बहुत सुंदर लग रही थी। हर जो जो माता रानी को देख रही थी, हर उनका एक एक चीज़ बड़ा ही सुंदर था। पिछली ये मेरा दूसरा दुर्गा पूजा है, तो मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। और अब जितने भी पंडाल आएंगे ना, ये मेन रोड को जाते हैं वहीं की साइड के सब है, तो ये भी बहुत सुंदर था। ये वहाँ का एंटर है, तो देखिए अंदर भी जाएंगे, अंदर थोड़ा भीड़ था। ये मेरा दूसरा दुर्गा पूजा है, तो बहुत अच्छा लगता है घूमने में, इंतज़ार रहता है इस दिन का। और हाँ एक चीज़ बता दूँ, ये है नौमी वाले दिन का, मैंने पहले गलत बोल दिया, वो दसवीं वाले दिन का था, दशहरे वाले दिन का। तो ये पंडाल का थीम है चंद्रयान, जो अभी कुछ दिनों पहले हुआ है। और ये देखिए बाबू, यहाँ पे बाबू थोड़ा सा रोने लगा था, क्योंकि जो अनाउंसमेंट करते ना उसकी आवाज़ से उसको डर लग रहा था। तो ये है यहाँ का थीम, देखिए ये भी बहुत अच्छा बनाया हुआ था। मैं तो देख के ही, मतलब देख के ऐसा लगा कि हाँ कितना अच्छा बनाया हुआ है। तो देखिए अंदर जा, अंदर भी ये देखिए रॉकेट बनाया हुआ पूरा सेम टू सेम, ऐसा लग रहा था कि सामने चंद्रयान है हम लोग के, ऐसे कुछ लग रहा था। देखिए कितना सुंदर है ये भी। हाँ यहाँ पे थोड़ी सी भीड़ थी, और हाँ पिछली बार तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इस बार तो कुछ भीड़ नहीं थी, पता नहीं चला कब घूम के आ गए। मज़ा बहुत आता है घूमने में। और ये रही हमारी माता रानी, यहाँ की माता रानी भी बहुत सुंदर थी। माता रानी तो सब जगह की बहुत अच्छी थी, बट हर जगह का एक अपना ही लुक था। और एक ये लास्ट है, हम लोग के घर के बिल्कुल पास में हरमू बाज़ार में, देखिए झूला भी दिख रहा है। तो ये तो हरमू बाज़ार का मंदिर का, देखिए ये भी बहुत अच्छा लग रहा था। ये तो दिन का है, रात का तो हम लोग बना ही नहीं पाए, बस यही था। और ये है लास्ट दशहरा, रावण का दहन। तो ये लेकिन हम लोग रांची का नहीं, ये मेरी, ये दिल्ली का है, मेरी सिस्टर रहती है वहाँ पे, उन्होंने भेजा था, तो ये वहाँ का है। बस यहीं तक का था मेरा, हम लोग यहीं बस इतनी जगह घूमे, इतनी नहीं, इतने में तो हम बहुत थक गए थे, पर मज़ा बहुत आया था। नेक्स्ट ने पर इससे भी पहले साल में ज़्यादा मज़ा आया था, इस साल से ज़्यादा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, सब्सक्राइब टू माय चैनल, और शेयर भी कर दीजिए प्लीज़। मेरे तो अभी 100 भी नहीं हुए हैं, जल्दी जल्दी 100 कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अच्छाई के साथ बुरा, फिर से एक बार बुराई के सामने अच्छाई की जीत हुई, रावण जी जल चुके हैं।
मेला घूमने हम सब गए थे, पापा, मैं, मम्मी, बाबू, मोना, मौसम और मन्नू अपने फ्रेंड के साथ गए थे, साथ में थे, बीच में वो अपने अलग, मेरे हस्बैंड भी गए थे। दिवाली से पहले ही, क्योंकि दिवाली से पहले ही डालूंगी तब ना लोग देखेंगे, दिवाली के बाद डालने का क्या ही मतलब होगा सफाई का वीडियो।